आई एम राहुल मार्टिनो और मैं आप हेल्प यू के लिए एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाने जा रहा हूँ। इस डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाने के लिए हमें भागलपुर के अरण्य विहार जहाँ पे विभिन्न प्रकार के पक्षियों को संरक्षण दिया जाता है, हम उस जगह पर आए हैं। आप देख रहे हैं हम लोग भागलपुर के वन प्रमंडल के अंदर घुस चुके हैं और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बिहार सरकार द्वारा पर्यावरण वन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में आ चुके हैं हम लोग एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। यहाँ पे ग्रेटर एडजुवेंट या गरु का रेस्क्यू किया जाता है और रिहैबिलिटेशन सेंटर भी यही है। पहले यहाँ पे इसको रिहैबिलिटेशन किया जाता है, तो अगर कोई तरह का बीमारी है, कोई तरह का डिजीज है, यहाँ पे इसको रेस्क्यू करके यहाँ पे रखा जाता है। उसके बाद इनके नेचुरल इकोसिस्टम में जाके छोड़ दिया जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग रेस्क्यू सेंटर पे आ चुके हैं। ये रेस्क्यू सेंटर ग्रेटर एडजुवेंट का है, यहाँ पे गरुड़ का संरक्षण किया जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के गरुड़ को अलग अलग भागलपुर के अलग अलग जगह से लाया जाता है, जो अगर विचित हो गया, जो बीमार पड़ गए, यहाँ पे लाके उसका भरण पोषण सेवन किया जाता है। जानते हैं ग्रेटर एडजुवेंट के बारे में, यहाँ के सेवक से, यहाँ के वर्कर से। सर थोड़ा बताइए यहाँ से ग्रेटर एडजुवेंट के बारे में। ग्रेटर एडजुवेंट ये पूरे एशिया में दो जगह मिलता है, एक कंबोडिया, एक भारत, और भारत में दो जगह, एक आसाम, एक नवगछिया कदवा दियारा। तो कदवा दियारा प्रजनन स्थल है, कदवा दियारा जी, कदवा दियारा नवगछिया से 16-12 किलोमीटर उत्तर और खैरपुर गाँव है। वहाँ से हम लोग वहाँ से जो बच्चे गिरते हैं वो आते हैं, तो लोग लेके पहुँचाते हैं। जो बच्चे गिर जाते हैं यहाँ पे आते हैं जी सर, इसको रेस्क्यू फिर हम लोग तैयार ठीक होकर जाते हैं, इलाज करके उसके बाद फिर हम उसी प्रजनन जाकर छोड़ते हैं। वहाँ पे छोड़ा वो खैरपुर जो हमारा धार है उसमें जाकर खैरपुर में जाकर छोड़ा, वहीं पर जो बच्चा गिर गया है उनको वहाँ पर रेस्क्यू किया, यहाँ पे लाया, फिर उसी गाँव में जाकर छोड़ना पड़ा, गाँव पे जाकर छोड़ दे, ताकि वो लोग ये नहीं समझे कि बच्चे को लेकर बेच रहे हैं क्या, ध्यान तक पता तो नहीं है। इसीलिए हम लोग यहाँ तो ज्यादा संख्या हो गया 2014 से काम शुरू है। बिहार सरकार इसमें क्या क्या आपका साथ, बिहार सरकार ही तो सब चीज बनाया, हॉस्पिटल बनाया, रेस्क्यू सेंटर बनाया, बिहार सरकार के साथ पहले इंग्लैंड का द्वारा हो रहा है जी सर, पहले इंग्लैंड का प्रोजेक्ट था, ये इंग्लैंड का पहले प्रोजेक्ट इंग्लैंड जी से वो मिश्रा जी, मिश्रा जी लाए थे, वही पोस्ट ऊपर किए और मिश्रा जी फिर वो पोस्ट वाले को ही सुपुर्द किए, वो अभी उन्हीं का ये सब चीज देने और वही हमको भी लाए लगा के जैसे बी एन एच का लगा तो वो पॉइंट वाइज पॉइंट हाँ होती फिर हम लोग रिलीज कर देते हैं मेजरमेंट लेके कितना किलो है वजन वो करते हैं। तो फिर ये भी नापते हैं क्या कि जैसे मान लीजिए कौन वापस आया कौन नहीं आया, ये रिंगिंग तो करते हैं, हम छोड़ देते हैं, हम लोग बैंडिंग बैंडिंग बैंड करते हैं, बैंडिंग जैसे औंठी पहनते तो बैंडिंग है ना, बैंड बैंडिंग अलाउ कर देते हैं उसको, रिंग को वजन करते हैं कौन जाती है जो सलीम अली के, तो सलीम अली का ये प्रोजेक्ट अभी आया यहाँ 5 साल के लिए भागलपुर में आपको ये रहेगा, और सी प्रोजेक्ट आने वाला है पक्षी के ऊपर जो रिसर्च ये लोग डॉक्टर लोग हैं रिसर्च कर रहे हैं, इसी पर हम लोग उसी में पूरे भारत में घूमें ये पक्षी के ऊपर ही, और पढ़े लिखे नहीं हम मूर्ख हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे वर्कर जो है पूरी तरह से इलिटरेट है, फिर भी हमारे ग्रेटर एडजुवेंट जैसे कैसे पूरे देखो एशिया का पक्षी को हम जानते हैं, अंग्रेजी और हिंदी सब कौन पक्षी कब हमारे यहाँ जाएगी वो सब, इसलिए कि हम लोग पक्षी पकड़ के बाजार में बेचते हैं, एक्सपीरियंस है हमारे, और हम बीएनएचएस बहुत बल्तर पे काम किया हरियाणा पिंजौर में, बल्तर भी काम किया हम, सिक्किम 18,000 फीट पर ऊपर 8,000 फीट पर और हम पक्षी के ऊपर वहाँ गए जंगली कथा के और वो सब काम करने, फिर हम आंध्रा में काम किया जनरल कौशल पे, फिर कॉमन ट्रेड ऑफिसर पर ट्रांसमीटर लगाए, हिमाचल पॉइंट में ग्रेटर घी जाता है ना बकर उस पर हम लोग उसको ग्रेटर घी बोलते हैं। ग्रेटर जो एडजुवेंट को खाने के लिए क्या क्या देते हैं, ग्रेटर एडजुवेंट को खाने के लिए मछली सिर्फ देते हैं, ये गोश्त ही खाता मांसाहारी है, शाकाहारी नहीं, ये मछली लाते हैं गोश्त भी मुर्दा भी खाता है, जैसे गंगा जी छोड़ दिए वहाँ छोड़ते हैं तो मुर्दा ही खाता, असल इसका मुख्य सांप बैंक चूहा यही खाना है। क्या बता सकते हैं कि उनमें मछली रखा हुआ पॉइंट में, नहीं पॉइंट में मछली लाकर सुबह देते हैं, जिंदा मछली इसमें छोड़ देते हैं, जैसे गरे हुआ, चेंगा हुआ, छोटा वाला, सिंगी हुआ, तो वो लोग चलते रहते हैं, जो सब ऐसे जो लाते हैं मछली वो इसको खिला देते हैं, जिंदा जो मछली उसको इसमें डालते हैं, बाकी रोज हम लोग 4 किलो मछली लाकर खिलाते हैं। 4-5 किलो कितना आपके पास यहाँ पे, 8 है हमारे पास, 6 यहाँ देख रहे हैं, 3 ये लेसर है छोटा वाला जो काला वाला इधर है वहाँ पर, 3 ठो लेसर है उधर, 3 ठो जो है वो ग्रेटर है, बड़ा ग्रेटर है, हाँ इसको हिंदी में हम लोग चनियारी बोलते हैं, अंग्रेजी में हम लोग अपने भाषा में ढेक बोलते हैं, और आप लोग इसको बड़ा गरुड़ बोलते हैं, छोटा गरुड़ बोलते हैं, बड़ा गरुड़ बहुत है यहाँ, छोटा गरुड़ हम लोग नहीं देखना, बड़ा गरुड़ को देखना, छोटा गरुड़ का जनसंख्या बहुत है, इसका लुप्त हो रहा था इसलिए इसको बचाया गया, जी कंजर्वेशन का मतलब ये होता है जो प्राणी विलुप्त हो रहे हैं उनको हम जैसे गौरैया के लिए घर में जो हमारे गौरैया बिल्कुल विलुप्त हो रही है, इसको हम लोग बचाने की कोशिश में कैसे बचाइएगा, क्या क्या आपके पास, जैसे हमारे पास घर में हमारे वेंटिलेटर में हम लोग झाड़ू देते हैं हटा देते हैं, उसका घोसला अलग अलग बच्चा लोग बना रहे हैं घर में लगा रहे हैं बगल से, अच्छा जी के बगल में रहिए, अच्छा जी पर कोई दिक्कत नहीं, बिहार में जैसा कि हम लोग काफी कम देख रहे हैं इसके बराबर, लेकिन आज के हम लोग उसमें पहल करेंगे तो वो आ सकता है, जनरेशन उसका बदल पड़ सकता है, क्योंकि पहले घर में कोई हॉस्पिटल है, आप बता सकते हैं कि इनको क्या हुआ था, ये सब बच्चा गिरा था वहाँ, जब आया तो हम लोग 7 किलो वजन थे, 7 किलो वजन के आए थे, फिर उसका मेजरमेंट जब होगा उस दिन करेंगे, तो क्या ये आप पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं, स्वस्थ है लेकिन बढ़ेगा तो उड़ने लगा था वहाँ छोड़ देते, उड़ने वाला यहाँ से देखते उड़ने वाला मचान बना, यहाँ हुआ वहाँ हुआ इसलिए हम लोग दुनिया कंप्लीट है, फिर साहब लोग बोलते हैं डॉक्टर के दिखाने से मिला था दोस्ती में, अब ये कर दिया वापस आप गाँव जाके छोड़ा, हाँ आप अंदर आके देख सकते हैं ग्रेटर एडजुवेंट को, ये ग्रेटर एडजुवेंट हाँ बड़ा गरुड़ है, ग्रेटर एडजुवेंट इसको बड़ा गरुड़ बोलते हैं, ये 3 बच्चा अंडा देता है या 4 देता है, ओके हम लोग 2 मान के चलते हैं, 2 बच्चा हमारा नो प्रॉब्लम, आई विल नॉट डिस्टर्ब यू, चलिए खिलाया फिर हम लोग नमक पानी देके इसको असली नमक पानी हम लोग पिलाते हैं तो उसको उल्टी करता है फिर ठीक हो जाता है, वो डॉक्टर हाँ फिर वो डॉक्टर लोग भी दवा देते हैं, हम तो ज्यादातर नमक ही पानी यूज करते हैं, कोई पक्षी आता है नमक पानी देते हैं, जनरल हो गया चाहे आदमी रहते हैं, नहीं जनरल हम लोग हिमाचल गए थे ना कौन टाइम है, इसको ही हम लोग काम कर रहे हैं, उसी पे हम लोग ये किए कि ताकि ये सब हो छोटा से देख, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग अभी टोटी से रिहैबिलिटेशन सेंटर में आ चुके हैं और यहाँ पे इनके वर्कर से बात करेंगे कि कैसे ये काम कर रहे हैं और कहाँ काम करते हैं और किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। भैया पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आदित्य राज, केयर टेकर है। हाँ और किस प्रोजेक्ट के साथ आप काम कर रहे हैं? ये जो बना है ये भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून की तरफ से बना है और यहाँ जो है मतलब इसको ये बहुत ज़्यादा तस्करी हो रहा था, इसलिए भारतीय वन्यजीव संस्थान है इसको एक सेंटर भागलपुर में, बिहार का पहला सेंटर भागलपुर में बनाया गया है, जो तस्करी होता है आदमी मार के खाता है और इसका जो है अपना आदमी जीवन यापन करता है गरीब लोग, इसलिए जो है इसको बनाया गया है
तो हम लोग वन विभाग को जब पता चलता है तो जाके रेस्क्यू करके लाते हैं, और यहाँ जो है इसका जब चोट वोट कहीं लगा रहता है या कोई इंजुरी रहता है तो इसको फिर यहाँ ट्रीटमेंट करके इलाज करके उसके बाद जो है फिर इसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाता है। प्राकृतिक आवास कहें तो क्या कह सकते हैं कि गंगा में आप जाके छोड़ते हैं? हाँ, गंगा में जाके छोड़ते हैं। ठीक है, तो आप रेस्क्यू कहाँ पैसे करते हैं इसको? रेस्क्यू जैसे हो गया मछली आ रहा हो गया या कहीं कोई लेके जा रहा है बाहर बंगाल पश्चिम बंगाल ये सब जगह जाता है, इसका मीट आदमी खाता है इसलिए जो है वन विभाग को पता चलता है तो जाके वहाँ छापामारी करके फिर लाया जाता है। क्या आप ये बता सकते हैं यहाँ पर कितना अभी प्रॉपर्टी यहाँ रखा है? यहाँ जो है अभी जो है दो स्पीसीज, दो प्रकार की स्पीसीज है। कौन कौन सी स्पीसीज? दो नंबर में है सुंदरी लिशमिश है, सुंदरी लिशमिश ये सब सेल हुआ है, और ये तीन नंबर में रखा गया है वो है पंचुरा टिकटा। हाँ, वो जो है हर सेल है। आप अपना एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं, कहाँ पर पढ़े? एजुकेशन ग्रेजुएशन ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है। ये सब की सब्जेक्ट्स हैं? पॉलिटिकल साइंस। ओके, आइए तो दिखाते हैं कि कहाँ पे है हमारा। यहाँ पे है इसमें, ये हुआ पंचुरा टिकटा, हुआ पंचुरा टिकटा। हाँ, हमको तो दिख नहीं रहा। अरे वहाँ है, जूम प्लीज। जो एक्वेरियम में जो रखते हैं ना, ये एकदम अभी छोटा बच्चा होके आया है। ये तस्करी होके जो रेस्क्यू किया गया वो है? हाँ, अच्छा, नवगछिया से आया है और कुछ भागलपुर में पकड़ा गया है। कोई जो है कहीं और आदमी सब कहीं देखते हैं तो इसको संरक्षण के लिए जो है ये पुरानी जीवित ये जो विलुप्त हो रहा है इसको बचाने के लिए जो आदमी कोई किसी जो जानकार है जो जानते हैं समझते हैं तो इनको जो है कहीं मिलता है तो आदमी यहाँ जो है बनवा के इन्फॉर्मेशन करके यहाँ सरकार के द्वारा यहाँ पहुँचाया जाता है। ये कौन सा स्पेसिस बताया फिर से? ये पंचुरा टिकटा हार्ड सेल। हार्ड सेल, ओके ओके। और एक और स्पेसिस के बारे में आपने बताया था, सुंदरी लिशमिश। हाँ हाँ, ओके। ये अभी ये पंचुरा टिक्का जो है, हाँ, इसमें अभी टोटल है नौ कछुए हैं। और अच्छा, फूड हैबिटेट इसका क्या है, क्या खाते हैं ये खाना में? इसको जैसे गाजर हो गया, खीरा हो गया, गाजर वेजिटेरियन, प्योर वेज, वेजिटेरियन, और मछली भी है। अच्छा, मछली भी खाता है। वो बड़ा वाला स्पेसिस दिखाया है, वहाँ तो बड़ा वाला स्पेसिस साइड में साइड में ना क्लिक भी कर सकता है, फोटो भी आ जाएगी। सुंदरी लिशमिश को आज देखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सुंदरी लिशमिश बरीड इनसाइड द सॉइल। सुंदरी लिशमिश, ये सॉफ्ट सेल हुआ ना? ये सॉफ्ट सेल हुआ, ओके। सुंदरी लिशमिश, ये आप देख सकते हैं हमारे साथ सुंदरी लिशमिश। सुंदरी लिशमिश है, सुंदरी लिशमिश है हमारे साथ जो सॉफ्ट सेल रहता है। हाँ, ये जो है इसके ऊपर जो है उभरा हुआ रहता है बीच में। ये कैसे करें कि सॉफ्ट सेल है? ये जो है इसका छतनुमा आकार का है, इसलिए जो है इसको हम जो सॉफ्ट सेल बोलते हैं। हार्ड सेल जो रहता है, हार्ड सेल में जो है दोनों साइड बीच में जो उभरा हुआ रहता है। ठीक है भैया, इनको आप पानी इसमें नहीं है? नहीं, ये जो है सूखे में रहते हैं। ये जो है अब ये सॉफ्ट जीवित है ना? हाँ, जीवित है। अच्छा, ये इसलिए इसमें है कि हाँ, ये जो है सॉफ्ट सेल हुआ। हाँ, ये जो अपना टेम्परेचर जो है ये जो ठंडे खून के होते हैं, कोल्ड ब्लड होते हैं, और ये जो इसमें आ गया है ये जो है अपना टेम्परेचर जो है अपने अनुकूल मेंटेन करके उसके बाद जो है ये मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इसलिए कोल्ड ब्लड फिर यहाँ रहता है। मतलब इसमें सैंड हुआ ना, अगर धूप पड़ेगा तो ये लोग अपना गर्म आएगा, बास्किंग करेगा। ये क्या चीज़ का नंबरिंग किया हुआ है? 1-2 ये 5 पाउंड बना है इसमें, जो चार है इसमें जो है कोनी वाला कछुए के लिए है। हाँ, और ये एक जो बना है वो जो है टोटोइज के लिए बना है। दो प्रकार के प्रजाति, दो प्रकार के होते हैं। और भी यहाँ पे दिखाने के लिए और भी स्पेसिस है? नहीं, दो प्रकार के टोटोइज नहीं है अभी, टोटोइज नहीं है। अच्छा, ग्रेटर एडजुटेंट इंडियन नेचुरल एनवायरनमेंट एट कदवा दियारा।